Hello student, how are you? After long break, we have been meeting through this video. Today, we will start the English chapter number 2, Teamwork. First of all, we will listen the poem. Listen the poem carefully. Teamwork, teamwork. Together, we can make our dream work. Then, we'll share the joy of what we've done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We're the part that make up the whole. And we've got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. This poem is written by Jan Negro. Have you listened to the poem? Enjoy it? Good. Now, we learn the poem. Teamwork, teamwork. Together, we can make our dream work. Yahan pe new word hai, teamwork. Teamwork ka meaning hota hai, combined effort of group. Hum jante hai, group kaise banta hai, ek se zyada person mile, tab wo group banta hai. Aur group mein jo kaam kiya jaye, usme jo effort lagta hai, usse bolte hai teamwork. Together we can make our dream work. अगर हम साथ में काम करें, ड्रीम बना के काम करें, तो हमारा जो ड्रीम वर्क है, हमारा जो सपना है, वो हम पूरा कर सकते हैं. Then we'll share the joy of what we have done. अगर हम टीम में काम करें, हमारा जो काम है, वो पूरा हो जाए, बाद में हमें जो खुशी मिलती है, वो हम साथ में मिलके शेयर करते हैं. Team work, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. यहाँ पे हमें कौन से खेल की बात की है? बास्केटबॉल. यस, बास्केटबॉल में क्या होता है कि एक टीम होती है जिसमें प्लेयर्स होते हैं और प्लेयर्स है वो बॉल से खेलते हैं. बड़ा सा बॉल होता है और बॉल को कहाँ पे डालना होता है? हुक में. हुक मीन्स वुडन और आयरन रिंग. यहाँ पे हुक मीन्स वुडन और आयरन रिंग. यहाँ पे देखो, ये बच्चे हैं, वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं और ये बॉल है और ये जो रिंग दिखाई दे रही है नेट के साथ, उसे हम हुक बोलते हैं. तो बास्केटबॉल में जैसे टीम काम करती है, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुक. सब खिलाड़ियों को मजा आता है. क्यों? क्योंकि वो बॉल को हुक में शूट करते हैं. बट इफ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट. अगर टीम के सारे खिलाड़ी बैठ जाए और कोई एक दूसरे को बॉल पास ना करे, तो कोई हुक में डाल सकता है? नहीं. इफ नोबडी पासिस, अगर कोई पास नहीं करेगा, देन नोबडी शूट्स, तो कोई हुक में बॉल डाल सकता है? नहीं. एंड द रिले रेस जस्ट कैन गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन. यहाँ पे अनदर एग्जांपल है रिले रेस का, जो एक टीम वर्क है. रिले रेस क्या होता है? रेस बिटवीन टीम ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस. यहाँ पे हमने देखा है हमारे स्कूल में भी जब रिले रेस होती है, तब हम कितने पर एक टीम में कितना स्टूडेंट होते हैं? चार. यस, एक टीम में चार स्टूडेंट होते हैं, तो वो टीम वर्क है. एंड रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन. यहाँ पे बैटन मीन्स शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरी इन अ रिले रेस. हम देखते हैं रिले रेस में क्या होता है. एक स्टूडेंट दौड़ता है हाथ में स्टिक लेके, वो दूसरे स्टूडेंट को देता है, वो दूसरे स्टूडेंट तीसरे स्टूडेंट को देता है और तीसरा स्टूडेंट चौथे स्टूडेंट को देता है. एंड लास्ट में जो वो चौथा स्टूडेंट है, वो रिले रेस को खत्म करता है. तो रिले रेस आगे नहीं बढ़ेगी अगर ये बैटन है वो स्टूडेंट एक दूसरे को पास नहीं करते. तो ये जो रिले रेस में जो बैटन एक दूसरे को देते हैं, वो भी एक टीम वर्क है. वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल. यहाँ पे हम एक अलग अलग पार्ट्स है और अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के हम होल मतलब पूर्ण करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक पजल है, उसका एक आपको चित्र दिया गया है. पजल्स के इन सब पार्ट्स को आपको एक दूसरे से जोड़ना है और ये
चित्र कंप्लीट करना है, ये पिक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप पिक्चर देखते जाओगे और ये स्मॉल स्मॉल पार्ट आप कंबाइन करते जाओगे तो पूरा चित्र तैयार हो जाएगा। तो वैसे ही हम भी एक स्मॉल पार्ट है, और अगर हम सब एक दूसरे के साथ टीम में काम करें तो हम होल पार्ट, पूरा पार्ट हम बन सकते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल, हमारा सबका गोल है वो कॉमन है। अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो हमारी टीम ही जीतनी चाहिए, जीत है वो हमारा गोल है। रिले रेस में हमें, रिले रेस का भी गोल क्या है कि हमको सबसे पहले बैटन लेके रेस जीतनी है। तो हम सबका गोल है वो कॉमन है। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस, कभी कभी हमारा टीम वर्क है वो हमारा बिग पॉइंट बन जाता है, बिग प्लस बन जाता है। आप और मैं साथ मिलके काम करें तो हम बनते हैं। तो ये कविता लिखी है जैन निग्रो ने। न्यू वर्ड्स कौन कौन से सीखे, टीम वर्क, कंबाइंड एफर्ट ऑफ ग्रुप, हुक, यहाँ पे हुक का मतलब है वुडन और आयरन रिंग, चंडल अलोंग बाय चाइल्ड, पासेस मतलब दूसरे को पास करना, मूव ऑन बॉल, रिले रेस, रेस बिटवीन टीम्स ऑफ व्हिच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, एक पर्सन और दूसरे पर्सन में डिस्टेंस होता है उसे रिले रेस कहते हैं। बैटन, शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरीड इन रिले रेस, मून फॉर द अगेन इट इज अ पोयम, फॉरवॉन ऑफ अ नेम, नेम मींस किंग, किंग की खोज में, फॉरवॉन ऑफ अ नेम द शू वाज लॉस्ट, यहाँ पे ये शू है वो घोड़े की नाल जिसे हम कहते हैं वो है, फॉरवॉन ऑफ अ नेम द शू वाज लॉस्ट, घोड़े की नाल की एक कील की वजह से वो खो गई है, उसकी वजह से शू भी खो गया, फॉरवॉन ऑफ अ शू द हॉर्स वाज लॉस्ट, घोड़े की नाल की खोज में घोड़ा भी खो गया, फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, घोड़े की खोज में राइडर है, घोड़े सवार है वो भी खो गया, फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, घोड़े सवार की खोज में बैटल है जो लड़ाई है वो हार गए, फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, बैटल हार गए तो राजा का जो राज्य है किंगडम है वो भी हाथ से चला गया, एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेम, ये सब किसकी वजह से हुआ कि एक घोड़े की नाल की जो कील है उसकी वजह से, देखो यहाँ पे कील खो गई उसकी वजह से घोड़े की नाल खो गई, घोड़े की नाल को खोजने गए तो घोड़ा खो गया, घोड़ा खो गया तो घोड़े की खोज में कौन गया, घुड़सवार, तो घुड़सवार भी खो गया, अगर घुड़सवार खो गया है वो घोड़े को ढूंढने गया है तो घुड़सवार ही बैटल में नहीं जाएगा, तो बैटल राजा हार गया, द बैटल वॉज लॉस्ट, बैटल हार जाएगा राजा तो राजा का राज्य है वो भी वो खो देगा, द बैटल फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, तो राजा अपना राज्य भी हार गया, किसकी वजह से, एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेम, एक घोड़े की नाल की कील की वजह से पूरा राज्य ही हाथ से चला गया, ये ट्रेडिशनल राइम है। यहाँ पे आपको आंसर्स दिए गए हैं, उसका आपको क्वेश्चंस बनाना है, यहाँ पे देखो द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिलअप करना है, तो आप क्या करोगे, देखो द शू वाज लॉस्ट, घोड़े की नाल क्यों लॉस्ट होगी, बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज आएगा तो बिकॉज कहाँ पे हम यूज करते हैं, अगर हमारे पास रीजन है तो रीजन हमें जानना हो तो हम क्या, कौन से क्वेश्चन से हम रीजन जान सकते हैं, यस वाई, अगर हम वाई का यूज करें तो हम रीजन जान सकते हैं, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई वॉज द शू लॉस्ट, शू लॉस्ट क्यों हो गया, शू लॉस्ट क्यों हो गया, क्योंकि उसकी नेम उसकी कील है वो खो गई थी इसलिए। सेकेंड है द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज
तो रीजन आपको जानना है तो किससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, वाई से। यस, तो वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। किंगडम लॉस्ट इसलिए हुआ क्योंकि बैटल ही नहीं हुई थी। अगर यहाँ पे थर्ड है, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। अभी अगेन यहाँ पे बिकॉज आया, बिकॉज से क्या हमें पता चलता है, रीजन। तो यहाँ पे क्या आंसर है, बट बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। लड़ाई क्यों हार गए, क्योंकि घुड़सवार नहीं था। अगर रीजन के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है तो वाई, वाई वॉज द बैटल लॉस्ट, लड़ाई हम क्यों हार गए, क्योंकि घुड़सवार नहीं था। तो यहाँ पे हमें तीन आंसर्स दिए गए हैं, उससे हमें क्वेश्चंस बनाने थे। वाई वॉज द शू लॉस्ट, वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट एंड वाई वॉज द बैटल लॉस्ट। ओके, अगेन इसके पीछे तीन बबल्स दी गई है ऐसे ही, उसमें आपको क्वेश्चंस भी बनाने हैं और आंसर्स भी बनाने हैं। उसके आंसर्स मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखाऊंगी। लेट्स गो ऑन। वॉर्म कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर मैं बात करूं आई एम टॉकिंग टू यू, यहां पे हमने आई एम नहीं बोला, आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये आई एम का है वो आई एम हो जाएगा, आई हैव का आई हैव हो जाएगा। तो लॉन्ग वर्ड है उसे हम शॉर्ट करते हैं। उसे हम कैसे पहचाने, क्योंकि आई और एम के बीच में एपोस्ट्रोफ रहेगा, उसे पहचान सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है। देखो आई एम और कंस्ट्रक्शन है, उसका क्या होगा, आई आई एम का एम, आई हैव का आई हैव। अगेन वी विल, मेरे साथ बोलो वी विल, विल, देखो वी विल, विल, कैन नॉट, can't, again repeat करो, cannot, can't, next we have, will, again we have, will, next one you have, ये क्या आएगा, you have, ये you, you have, you, there is, there's, again there is, there's, what have, what have, again what have, what have, next one we are, bolo we are, ye we are, we are, we are, they are, they are, they are, they are। तो ये सब कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे नीचे सब कंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, वो आपको फिलअप करना है। और ये सब जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको तीन बार अपनी नोटबुक में भी लिखना है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट टीम वर्क। अब तक आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।